नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए दिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजस्थान में सूरज के सितम से हाल बेहाल हो रहा है। प्रदेश में हीट वेव से लेकर लू और तपन से जो आमजन है वो परेशान है। एक सप्ताह तक गर्मी से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है। प्रदेश का जो तापमान है वो देश में रिकॉर्ड बना रहा है। गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बन रहा है। गंगानगर का जो अधिकतम तापमान है यानी कि सबसे ज्यादा जो तापमान है यहाँ का 46.03 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके बाद बाड़मेर में भी तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। और जालौर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी वनस्थलीय का जो पारा है वो भी 45 डिग्री के पार है। करौली की बात की जाए, करौली, फतेहपुर, संगरिया, अंताबारा, धौलपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर का जो तापमान है ये 44 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल रहा है और अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच में बना हुआ है। तो देखिए, राजस्थान जो कि मरु प्रदेश है और गर्मी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन हर साल ये जो गर्मी, ये जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार जो गर्मी है वो और ज्यादा भीषण पड़ने वाली है, इसको लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। और आज और साथ में अगले कुछ दिनों किस तरीके से तापमान रहने वाला है, मौसम रहने वाला है, जानते हैं हमारे सहयोगी अनूप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनूप, राजस्थान जो है वो टेम्परेचर को लेकर रिकॉर्ड बना रहा है, 46 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज और आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान का जो मौसम है, जो टेम्परेचर है वो कैसा रहने वाला है, इतना ही या फिर इससे भी ज्यादा तापमान बढ़ सकता है, पारा चढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, राजस्थान के अंदर प्रचंड गर्मी का जो दौर है, अधिक गर्मी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश का तापमान है वो 46 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। एक और जहां आसमान से आग बरस रही है, वहीं जो तापमान है वो आसमान की ओर बढ़ता ही जा रहा है। 46 डिग्री से अधिक प्रदेश का तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर का तापमान देश के अंदर सबसे अधिक दर्ज किया गया। वहीं अगर बाड़मेर, जैसलमेर की बात की जाए, फलौदी की बात की जाए, जालौर की बात की जाए, तो इन सभी शहरों के अंदर तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब और अधिक गर्मी पड़ेगी, तापमान के अंदर भी बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। हीट वेव और लू की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर हीट वेव और लू का दौर जारी है और यह आने वाले दिनों तक जारी रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। अगले 7 दिन प्रदेश का मौसम है वो शुष्क बना रहेगा। मौसम शुष्क होने के चलते गर्मी का एहसास और अधिक होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का यही कहना है कि जरूरी कार्य होने के चलते ही दोपहर में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। अगर बहुत ही जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले और बाहर निकलते वक्त सिर को ढक करके चले, जैसे कि तौलिया है या फिर रुमाल है या और कोई कपड़ा है वो सिर के ऊपर रख करके चले। और छोटे बच्चों को इस समय के अंदर घर से बाहर जाने के लिए मना करें, क्योंकि छोटे बच्चों को अधिक लू और हीट वेव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही उनका यही मौसम विभाग का कहना है कि अधिक से अधिक पानी पिए और तरल पदार्थ का सेवन करें जिससे कि लू और हीट वेव से बचा जा सके। इसी के साथ ही अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून 25 जून के करीब प्रदेश से टकराने की जो स्थिति है वो अभी बनी है और मानसून के आने के जो प्री मानसून की जो बारिश है वो भी सताने का डर मौसम विभाग को लग रहा है, क्योंकि अधिक गर्मी होने के कारण उमस की जो समस्या है वो भी बढ़ने की जो संभावना है वो अधिक है। जी ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम विस्तृत जानकारी मौसम से जुड़ी हुई साझा की है। तो देखिए, अगले कुछ दिनों तक आपको राहत नहीं।